अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम न्यू बजट के हिसाब से जो मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली आई है, बैंकिंग प्रॉफिट रेट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने तमाम कन्वेंशनल प्रॉफिट्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक सर्टिफिकेट्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी मीज़ान बैंक से, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मैंने मीज़ान बैंक का PDF ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग पे हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे मीज़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट अकाउंट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप रुपए 100 से लेके 499 मिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 11.01% का प्रॉफिट एनुअली मिलने वाला है। अगर हम मीज़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट अकाउंट NBFI की बात कर लें तो इस पे भी जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो 11.01% के हिसाब से हैं। इसके बाद हमारे पास स्मार्ट रेमिटेंस वॉलेट है, अगर इसकी हम बात करें तो इस पे 17.18% प्रॉफिट जो है मीज़ान आपको दे रहा है। इसके बाद जी अगर मीज़ान स्मार्ट वॉलेट की बात करें तो इस पे भी प्रॉफिट रेट्स आप देख सकती हैं सेम ही हैं। मीज़ान डीजी आसान अकाउंट, डीजी रेमिटेंस अकाउंट, मीज़ान फ्रीलांसर अकाउंट, इन तीनों पे आप प्रॉफिट का परसेंटेज देख सकते हैं, ये 17.18% आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद सर्टिफिकेट्स पे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो CO2 ईयर्स प्लान है वो डिसकॉन्टीन्यूड कर दिया गया है, 3 ईयर्स वाला भी डिसकॉन्टीन्यूड कर दिया गया है और 5 ईयर्स वाला भी बंद कर दिया गया है। अगर ये 1 ईयर सीनियर प्लान की बात करें तो मेचोरिटी वाला टेम्परेरीली डिसकॉन्टीन्यूड कर दिया है, और 1 ईयर मेचोरिटी सीनियर के अलावा अगर हम देखें तो ये भी डिसकॉन्टीन्यूड कर दिया है। इसके बाद मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट MMC की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो 50,000 उसके ऊपर इन्वेस्ट करने पर आपको 11.27% का प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके अलावा बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स और उन पर प्रॉफिट रेट्स हैं वो आप देख सकते हैं मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट पे 15.03 से लेके 17.18% तक प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी आप अकाउंट्स देख सकते हैं, US डॉलर सेविंग अकाउंट, मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, मीज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट, उसके अलावा यूरो सेविंग अकाउंट, ये तमाम प्रॉफिट्स आप लोगों के सामने मौजूद हैं। इसके बाद जी अगर हम एलाइट बैंक की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हैं एलाइट इस्लामिक अनमोल प्लस अकाउंट पे जो जून का प्रॉफिट मिला है वो 0.05% है, और इसके बाद इस्लामिक बिजनेस प्लस अकाउंट पे बात करें तो इस पे भी 0.05% है। इस्लामिक सहूलत अकाउंट, इस्लामिक एक्सप्रेस अकाउंट, मार्जिन अकाउंट, अलाइड एतबार सीनियर सिटीज़न अकाउंट, अलाइड एतबार सीनियर सिटीज़न आसान अकाउंट, ये तमाम आप लिस्ट देखें तो ये आपको यहाँ से लेके तकरीबन एतबार सैलरी मैनेजमेंट T1 अकाउंट तक 0.05% का प्रॉफिट जो है वो आपको जून के मंथ में देखने को मिला है। इसके बाद सैलरी मैनेजमेंट आसान रिमोनरेटिव अकाउंट की बात करें, और अगर सैलरी मैनेजमेंट आसान रिमोनरेटिव T2 की बात करें, इस पर भी 0.05% का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर एलाइट एतबार वसीला हज और उम्र अकाउंट की बात करें तो इस पर जो एनुअल प्रॉफिट है वो अप टू 18 लाख इन्वेस्टमेंट पे 17% के हिसाब से देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम एलाइट एतबार खानम सेविंग अकाउंट की बात कर लें, इस पर 17% एनुअल प्रॉफिट। एतबार सैलरी मैनेजमेंट सेविंग अकाउंट पे आप देख सकते हैं इस महीने में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और इसके बाद सैलरी मैनेजमेंट आसान सेविंग अकाउंट 8.8%, एतबार सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट 17.03%, और एतबार रोशन डिजिटल अकाउंट पे 9% के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके बाद आप एलाइड इस्लामिक खालिस मुनाफा अकाउंट के प्रॉफिट रेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको 25,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करने पे
और एक 10 लाख से अबव पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसके बाद अलाइड एतबार प्रीमियम अकाउंट की अगर बात करने तो इसके प्रॉफिट रेट्स भी आपके सामने हैं और आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अलाइड इस्लामिक इंस्टीट्यूशन अकाउंट्स आ जाते हैं, इस पर भी आप प्रॉफिट की शरह देख सकते हैं जून 24 तक की। और फिर हमारे पास इस्लामिक इंस्टीट्यूशन अकाउंट्स में रेंजेस आ जाती हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो अलाइड बैंक के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बैंक अकाउंट्स के प्रॉफिट की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके बाद जी बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं, तो इस्लामिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप लोग देख सकते हैं 1 रुपये से अगर 10,000 तक इन्वेस्टमेंट करें तो 7.41% का मुनाफ़ा है, और ये मुनाफ़ा आपको 10 लाख तक सेम ही देखने को मिलेगा। अगर 10 लाख से 50 लाख तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ये 8.15% तक का मुनाफ़ा है जो कि जून के महीने में देखने को मिला है। इसके बाद आप मज़ीद जो प्रॉफिट रेट्स हैं, जैसे जैसे आप रेंजेस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो प्रॉफिट में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर आपके पास 2 बिलियन और अबव की इन्वेस्टमेंट है इस अकाउंट में तो जो प्रॉफिट के रेट्स हैं वो 11.11% देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद RFC 1 मंथ मेचोरिटी अकाउंट के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। RFC 6 मंथ प्रॉफिट रेट्स भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर देखा जाए तो 1 ईयर प्रॉफिट मंथ्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। RFC 1 ईयर मेचोरिटी पे भी आपके सामने जो प्रॉफिट रेट्स हैं रेंजेस के हिसाब से वो आपको स्क्रीन पे शेयर किए जा रहे हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। और ये हमारे पास लिस्ट है जो कि हमें बैंक ऑफ पंजाब हमें अब हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जी अगर हम UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की बात कर लें तो इस पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेंगे। अगर हम UBL फर्स्ट माइनर सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो 2024 तक का जो इस पे प्रॉफिट था एनुअली वो 20.50% देखा गया। UBL ज़िंदगी अकाउंट में भी 20.50% प्रॉफिट आपको मिला। और अगर तेज़ रफ्तार पर देश कार्ड अकाउंट की बात करें इस पे भी आपको प्रॉफिट रेट सेम ही देखने को मिले। इसके बाद UBL यूनिसोना एंड UBL यूनिसोना प्लस अकाउंट अगर आप देखें तो इस पे भी 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिला। UBL रुपी यूनिसेवर अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो भी आप परसेंटेज देख सकते हैं, तो जो कि तकरीबन सेम ही है। उसके बाद यूनिफ्लेक्स अकाउंट में भी अगर हम परसेंटेज देखें अरूज सेविंग अकाउंट्स में तो सेम है। UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट में भी तकरीबन जो परसेंटेज की शरह है वो तकरीबन आपको सेम ही मिलेगी, और रेंजेस भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम MCB आई सेव की बात करें तो इसमें जो शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रॉफिट्स भी देख लेते हैं। अल्हम्ब्रा अपॉर्चुनिटी फंड जो कि हाई रिस्क फंड है, इस पर जो प्रॉफिट की शरह आपको जुलाई के महीने में देखने को मिली है वो 0.68% है। इसके बाद हमारे पास अल्हम्ब्रा कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र फंड है जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट है, इसमें जो आपको 15 जुलाई तक प्रॉफिट की जो शरह देखने को मिली है वो 18.24% है। इसके बाद अल्हम्ब्रा स्मार्ट पोर्टफोलियो की बात कर लें जो कि मीडियम रिस्क फंड है, इस पर जो प्रॉफिट की शरह देखने को मिली है वो 0.84% के हिसाब से मिली है जो कि 12 जुलाई तक क्लेम की गई है। इसके बाद हमारे पास इस्लामिक मनी मार्केट फंड है जो कि लो रिस्क है, इस पर 18.83% प्रॉफिट की शरह देखने को मिली है। इसके बाद अल्हम्ब्रा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड है जिस पे जो प्रॉफिट की शरह है वो 1.15% के हिसाब से देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम अल्हम्ब्रा इस्लामिक इनकम फंड की बात करें तो इस पे जो प्रॉफिट की शरह है वो 17.27% देखने को मिली है। फिर हमारे पास आ जाता है अल्हम्ब्रा डेली डिविडेंड फंड जो कि एक मीडियम रिस्क फंड है, इस पे जो प्रॉफिट की शरह है 12 जुलाई तक वो 18.97% देखने को मिल रही है। इसके बाद अल्हम्ब्रा इस्लामिक स्टॉक फंड आ जाता है जो कि एक हाई रिस्क फंड है, जिसमें हमें जुलाई तक का जो प्रॉफिट देखने को मिली है वो 1.65% तक देखने को मिला है। इसके बाद हमारे पास इस्लामिक एक्टिव एलोकेशन प्लान 2 आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं मंथ टू डेट अभी तक इस पर कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।